हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार के प्रीलिम्स में, इसलिए आप इसको ज़रूर से ध्यान से देखना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सको। अगर मेन्स में भी आता है तो आप इस आंसर को लिख सको, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड सेफ एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू पब्लिक। तो ये जो स्कीम्स होते हैं इन्हें डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये पब्लिक को एक सेफ और अट्रैक्टिव ऑप्शन दे सके। यहाँ सेफ और अट्रैक्टिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको हम आगे समझेंगे क्यों ये सेफ है और क्यों ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। टू पब्लिक एट द सेम टाइम मोबालाइज रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, और कैसे लोगों के सेविंग से जो रिसोर्सेज हैं वो मोबालाइज हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर सेट ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, देयरफॉर इट मेक्स इट सेफ, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे सॉवरेन गारंटी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम से आता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो देयरफॉर इट इज देन यूज्ड फॉर रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको डेवलपमेंट के रिसोर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो इतना क्लियर हुआ दैट दीज आर सेफ एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू पब्लिक, ठीक है। और इसे एट द सेम टाइम इट हेल्प्स टू मोबालाइज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर सेट ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेविंग स्कीम्स जो है इंडिया में अवेलेबल वो इतनी सारी हैं, और इसमें सर्टन स्कीम्स आर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है। लेकिन जनरली ये ज़्यादातर स्कीम्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर ही आते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना है, अटल पेंशन योजना है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, किसान विकास पत्र है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। तो ये 10 टाइप्स के होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप इनका नाम जरूर से जरूर याद रखना, बिकॉज एनी ऑफ देम कैन कम इन द प्रीलिम्स और वो बोल देगा कि एलिमिनेट विच इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब आते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। सो द मनी रेज फ्रॉम पीपल हु सेव थ्रू दिस स्कीम गोज टू द सेंटर। तो ये जो भी पैसा इस स्कीम्स के थ्रू रेज होता है वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड इज पुट इन अ फंड कॉल नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो ये जो टोटल पैसा है जो लोगों के द्वारा रेज होता है, इसे कहाँ भेजा जाता है, इसे भेजा जाता है इन द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है। इसे भेजा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, ठीक है। एज द मनी फ्रॉम दिस सेविंग स्कीम इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज अ गवर्नमेंट गारंटी। और क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सो देयरफॉर दीज सेविंग स्कीम्स बीइंग कलेक्टेड, दिस मनी बीइंग कलेक्टेड एंड देन पुट इनटू द नेशनल सेविंग स्कीम्स फंड, सो देयरफॉर दिस हैज गॉट अ गवर्नमेंट गारंटी, ठीक है। इट हैज अ गवर्नमेंट गारंटी का मतलब कल की डेट में अगर ये स्कीम फेल कर जाता है, ये फंड्स फेल कर जाते हैं, तो सरकार पे बैक करेगी लोगों को, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पैसा कहाँ से रेज होता है, ये पैसा लोगों से रेज होता है थ्रू एनी ऑफ दीज स्मॉल स्कीम्स, ठीक है। देन दिस मनी गोज थ्रू टू द सेंटर, सेंटर इसे कहाँ स्टोर करके रखती है, सेंटर इसे नेशनल सेविंग्स नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में स्टोर करके रखती है, ठीक है। एज द मनी फॉर दिस सेविंग स्कीम इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज अ गवर्नमेंट गारंटी, स्कीम को सॉवरेन गारंटी है, कल के डेट में अगर ये स्कीम फेल कर जाती है तो गवर्नमेंट वो पैसा पे बैक करेगी लोगों को। मेनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव टैक्स बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल द इंटरेस्ट ऑन PPF इज टैक्स फ्री। तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें, उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि जो इंटरेस्ट होता है PPF अकाउंट पे वो क्या हो जाता है, वो टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बोलते हैं, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक एंड सम लार्ज प्राइवेट लेंडर्स। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में ये वन ऑफ द ऑप्शंस रहने की उम्मीद है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को कौन एडमिनिस्टर करता है। सो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई पोस्ट ऑफिस, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाई नेशनलाइज्ड बैंक एंड इवन बाई सम लार्ज प्राइवेट लेंडर्स। सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स आर ओनली ऑफर्ड बाई पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमने एक देखा था वन ऑफ द स्कीम्स, दीज पोस्ट ऑफिस ऑफिस सेविंग स्कीम्स। तो ये जो स्कीम्स हैं ये बस पोस्ट ऑफिस ऑफर करेंगे। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर ऑफर्ड बाई पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक एंड सम लार्ज प्राइवेट लेंडर्स, ठीक है। द मनी यू इन्वेस्ट गोज टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास ये कैसे जाता है, तो ये पैसा सेंटर के पास जाता है एंड सेंटर पुट्स इट इन द फंड एज नेम्ड एज नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है, NSSF, और ये पैसा का सॉवरेन गारंटी होता है, ठीक है, जिसपे सरकार इंटरेस्ट रेट देती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप स्मॉल सेविंग रेट्स हायर देन फिक्स डिपॉजिट रेट। इसलिए मैंने यहाँ कहा था कि वर्ड अट्रैक्टिव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नाइदर ऑल्सो इट इज सेफ विद द गवर्नमेंट बट ऑल्सो अट्रैक्टिव। क्यों? बिकॉज इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होते हैं, एम्ड एट स्मॉल सेवर्स, ताकि स्मॉल सेवर्स को इसका बेनिफिट मिल सके।
मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव अपर लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये अपर लिमिट क्यों जाया जाता है, सो दैट द कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज. तो इसमें जो अपर लिमिट रहता है वो इसलिए रहता है ताकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अनड्यू एडवांटेज ना ले सके इन सारे स्कीम्स का. सो द गवर्नमेंट कीप्स दीज रेट हायर देन द फिक्स डिपॉजिट रेट, ये एक पॉइंट रखना, याद रखना. एंड दे आर एम्ड एट स्मॉल सेवर्स, तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम नाम ही है, तो इट इज एम्ड एट स्मॉल सेवर्स. एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव एन अपर लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. इसमें कुछ अपर लिमिट होता है, क्यों होता है अपर लिमिट, सो दैट वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस डू नॉट टेक अनड्यू बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अपर लिमिट 15 लाख रुपये है, वेर एज प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो अपर लिमिट है वो 1.5 लाख रुपया पर ईयर है. तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं, वेर एज आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में 15 लाख रुपीज तक डिपॉजिट कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. तो स्मॉल सेविंग रेट्स आर रिव्यूड एवरी क्वार्टर, तो इनका जो रेट होता है वो कब रिव्यू किया जाता है, या हर क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है, ठीक है. दैट इज आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इट इज बिंग रिव्यूड, एंड हैंस चेंज ऑफ एनी ऑफ दी स्कीम्स, तो ये चेंज होता है हर 3 महीने पे. तो अभी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यही है. अब तो गवर्नमेंट ने पुल बैक कर लिया वो जो नोटिफिकेशन था, बट दैट टाइम द गवर्नमेंट है डिक्रीज द रेट्स ऑन दी सेविंग स्कीम्स, तो इसीलिए फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसे पुल बैक कर लिया. तो अब उस पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है. हैंस कैन चेंज एनी ऑफ दी स्कीम्स. However, in many cases, once you have locked the interest rate, you will continue to get the benefit if the rates are slashed later. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें एक अगर इंटरेस्ट रेट लॉक हो गया तो उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, इवन इफ दे आर स्लैश्ड लेटर, बाद में अगर उसे कम भी किया जाता है तो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.4%, तो भले ही रेट बढ़े या घटे अगले 5 साल के लिए अगर आपने किया है तो आपको इसी रेट पे ये पैसा, मतलब इंटरेस्ट रेट इस पे मिलेगा, ठीक है. ये क्लियर है. तो ये स्कीम्स के कैसे रिव्यू होता है, एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और कभी भी चेंज हो सकता है विद इन दैट क्वार्टर. अदर देन दैट जो इंटरेस्ट रेट होता है, वंस यू हैव पुट इट, तो इट गेट्स लॉक्ड इन दैट इंटरेस्ट रेट इन सम ऑफ द स्कीम्स. जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे सपोज अगर आपने 7.4% पे इन्वेस्ट किया तो आपको उसी पे रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर तक, भले ही रेट बढ़े या घटे. लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे PPF पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम है, दे डू नॉट गेट लॉक्ड. तो ये सारे स्कीम्स लॉक नहीं होते. योर PPF अकाउंट में अर्न 9% इन वन क्वार्टर एंड 7% इन अदर, ठीक है. तो हो सकता है कभी रेट 9% हो, कभी रेट 11% हो, और कभी रेट घट के 7% हो. तो ये चेंज होते रहता है, ठीक है. सो इट कैन वेरी फ्रॉम 9% टू 7% टू 11%, जिस हिसाब से गवर्नमेंट अपना रेट्स दे, ठीक है. तो कुछ स्कीम्स में लॉक हो जाता है इंटरेस्ट रेट, कुछ स्कीम्स में लॉक नहीं होता है, ये भी रखना जरूरी है यार, ठीक है ना. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम. तो सबसे पहला एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट. इंडिविजुअल्स कैन अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रंस एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स. तो इन स्कीम्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और जो डिपॉजिट होता है वो सेफ होता है. सो देयरफॉर पीपल शुड इन्वेस्ट फॉर दीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. वेरियस सेविंग स्कीम्स, बहुत सारे नंबर ऑफ स्कीम्स आर अवेलेबल, ठीक है. जैसे कि देयर बेनिफिट वेरी अकॉर्डिंग टू देयर सेक्टर, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं और सेक्टर टू सेक्टर बेनिफिट वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जनधन योजना इज डिजाइन टू हेल्प पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम हेल्प्स दी गर्ल चाइल्ड, ठीक है. तो जैसे आपने जाना है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंग जो भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वेरा सुकन्या समृद्धि स्कीम इज बेसिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ सेविंग स्कीम्स, ठीक है. हैसल फ्री होता है, मेंटेनेंस एंड इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स द स्कीम इज वेरी सिंपल, एंड मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड टूवर्ड्स स्कीम कैन बी डन ऑनलाइन. आप इजिली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी है बिकॉज स्मॉल सेविंग स्कीम्स तो जनरली इंडियन गवर्नमेंट की उनको सॉवरन गारंटी होती है, और बाकी अदर सेविंग स्कीम्स की भी गारंटी होती है थ्रू बैंक, जो आपका इंश्योरेंस होता है अमाउंट का. और कुछ कुछ बैंक्स तो जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक का टू बिग टू फेल, सो देयरफॉर देयर इज सर्टेन गारंटी विद दीज सेविंग स्कीम्स. तो एक अच्छा तरीका होता है अपने मनी को ग्रो करने का. तो आई थिंक सारे टॉपिक्स क्लियर हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के. अगर आपको कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखना, आप इनके सारे PPT ले लेना. और अभी क्या इंटरेस्ट रेट है वो हमारे सिलेबस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, जो भी छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ की हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है. जैसे दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज बैंक या सम प्राइवेट लेंडर्स, या फिर द मनी गोज टू द गवर्नमेंट, या फिर इनमें सॉवरेन गारंटी होती है, ये सब चीज़, ठीक है. तो ये अपर लिमिट होता है, कुछ में इंटरेस्ट लॉक होते हैं, कुछ में इंटरेस्ट लॉक नहीं होते, इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर पे रिव्यू होता है. तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रख लेना, एग्जाम में प्रीलिम्स में पक्का ये क्वेश्चन आना है.
ठीक है, तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड प्लीज डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड दिस चैनल, और आप जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, एंड और भी सारे वीडियोज जो चैनल पे हैं वो भी व्यू करना। थैंक यू।